डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकानी, इंस्ट्रक्टर आईटी अजमेर। स्केल क्या होता है? वैसे स्केल के डायरेक्ट सवाल अपने फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में डायरेक्ट स्केल का सवाल नॉर्मली कम आता है, लेकिन स्केल क्या होता है इसकी जानकारी अपने को होना बहुत जरूरी है। कि कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो बिना स्केल के अपन नहीं बना सकते। स्केल का मतलब जो है मापनी नहीं, मतलब एक स्केल जो अपन जो है काम में लेते हैं, भाई किस स्केल पे अपने ड्राइंग बनाई है। अपन ने देखा होगा कि टाइटल ब्लॉक के अंदर अपन लिखते भी हैं कि भाई स्केल अपन ने 1:1 लिया है या 1:5 या 2:1। तो स्केल क्या है? तो स्केल या पैमाना क्या होता है? देखो, ये तीन प्रकार का स्केल है। फर्स्ट अपन देखें, सबसे पहले देखें अपन स्केल होता क्या है। तो स्केल क्या है, ये जो है जैसे कई बार क्या होता है कि अगर कार्यखंड या जिसकी अपने को ड्राइंग बनानी है वो बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा है। कहने का मतलब किसी भवन की ड्राइंग बनानी है या किसी कार की ड्राइंग बनानी है तो क्या कार उस अपनी ड्राइंग शीट पे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ऐसे केस में जब कार्यखंड या जिस वस्तु की अपने को ड्राइंग बनानी है वो बहुत बड़ा है, इनलार्ज है, तो उस केस में अपने को स्केल को मानना पड़ता है कि अपने इस स्केल को मानते हुए या इस रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को मानते हुए अपन एक स्केल अपन डिसाइड करते हैं, उस स्केल पे अपन ड्राइंग को बनाते हैं। इसी प्रकार कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे पार्ट हो, जैसे जो रिस्ट वॉच है, घड़ी के जो पुर्जे हो, जैसे घड़ी के गियर्स हैं या उसकी जो है पिने वगैरह हैं, तो ऐसे जो छोटे पार्ट्स हैं उनको भी अगर अपन ड्राइंग में बनाना चाहें तो बहुत छोटे से पार्ट के अपन कहाँ तो उसमें डायमेंशन देंगे, कहाँ क्या लिखेंगे, तो उसको इसके लिए भी अपने को स्केल की जरूरत पड़ती है। आप इसमें कौन कौन सी स्केल कहाँ कहाँ काम में लेते हैं तो वो देखते हैं, और स्केल कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपन देखेंगे, और स्केल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली या तो प्लेन स्केल बनाना आता है या डायगोनल स्केल बनाना आता है, तो अपन दो स्केलों को अपन थोड़ा विस्तार से देखेंगे। बाकी स्केल क्या होता है वो अपन देखते हैं। एग्जाम में कंपटीशन में ये जरूर आता है कि आरएफ पूछ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी आप कंपटीशन देते हैं तो वहां आरएफ पूछते हैं, निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का एक सवाल आ जाता है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको स्केल, स्केल को जैसे भी अपन बताया कि बिना स्केल के अपन ड्राइंग नहीं बना सकते, बहुत बड़ा जॉब है या बहुत बड़ा बहुत छोटा जॉब है या कार्यखंड बहुत छोटा है, तो उसके लिए अपने को स्केल मानना नेसेसरी है। स्केल तीन प्रकार में अपन बांटा है। पहला है आपका फुल स्केल, जिसको बोलते हैं अपन पूर्ण पैमाना। सेकंड है रिडक्शन स्केल, जिसको बोलते हैं अपन लघुकरण पैमाना, यानी किसी चीज को लघु करके बनाना, बड़ी चीज है उसको छोटा करके अपन ने दर्शा देना। फिर तीसरा लेते हैं इनलार्ज स्केल, इनलार्ज मतलब बड़ा करके, यानी कि दीर्घकरण करके बनाना। जैसे ये अपन कहां काम में लेंगे, देखो फुल स्केल तो कहां काम में लेंगे कि अगर कार्यखंड जैसे मान लिया अपनी जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट पर आराम से आ सकता है, तो वहां अपन फुल स्केल में बना देंगे, यानी कि 1:1 के स्केल में बना देंगे कि अगर आपका जो कार्यखंड का माप है वो का वही माप आप ड्राइंग शीट पे डाल रहे हैं तो वो पूर्ण स्केल या फुल स्केल कहलाएगा। कार्यखंड का माप जैसे मान लिया कि आपको 200 mm बाई 60 mm का कोई कार्यखंड था, उसको आपने अगर इसमें बनाना है और आप आराम से बना सकते हैं ड्राइंग शीट पे, तो वो अपन जो स्केल देंगे वो फुल स्केल हो जाएगा, क्योंकि 200 mm जो लंबाई थी उसकी कार्यखंड की या वस्तु की वही लंबाई आपने ड्राइंग पे डाल दी, तो आपका फुल स्केल हो गया। सेकंड है रिड्यूस्ड स्केल, रिड्यूस्ड स्केल का काम मिलते हैं या लघुकरण पैमाना कहाँ काम मिलते हैं, जब बहुत बड़े पार्ट हो, बहुत बड़े पार्ट हो, जैसे भवन की ड्राइंग बनानी है या मैप बनाना है पृथ्वी का, या किसी गांव का मैप बनाना है, शहर का मैप बनाना है, तो उस केस में पूरे गांव को तो अपन एक ड्राइंग शीट पर नहीं ला सकते, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, लघुकरण या दीर्घकरण पैमाना, लघुकरण पैमाना काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड स्केल। रिड्यूस्ड स्केल में क्या करते हैं, जो पैमाना होता है वो लिखा जाता है 1:5, 1:10, 1:50 या 1:100, 1:10,000, एनीथिंग। मतलब इसको अगर बोलेंगे क्या बोलेंगे कि 1:5 के बराबर है, 1:10 के बराबर है या 1:50 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग शीट पे अगर आपने 1 mm जो लाइन ली वो 5 mm के बराबर है, तो अपन ने कह दिया कि जो आपका निरूपक भिन्न है वो 1:5 है या जो आपका लघुकरण पैमाना है वो 1:5 का, स्केल 1:5 का है। अब ले अगर बहुत छोटे जॉब है, जैसे बहुत छोटा जॉब है, जैसे कोई पिन है या आपकी रिस्ट वॉच घड़ी की जो छोटी जो घड़ी है, कलाई घड़ी, उसके गियर्स वगैरह है, उनको क्या करेंगे, उनको बनाने के लिए अपने को दीर्घकरण पैमाना या इनलार्ज स्केल काम में लेनी पड़ती है। अब इनलार्ज स्केल का अपन रूप लें तो वह जैसे 2:1, 2:1, 5:1, 10:1 या 50:1। अभी 2:1 क्या है कि जो आपने बनाया 2 mm वो 1 mm के बराबर है, यानी कि कोई 1 mm की चीज थी उसको आपने डबल करके बना दिया, 2 mm की लाइन खींची, तो वो आपका 2:1 का पैमाना हो गया। या मैं कहूंगा 10:1, कोई 1 mm लंबी चीज थी वास्तव में और उसको आपने 10 mm में दर्शाया, तो उसके लिए पैमाना क्या हो गया, 10:1।
ये पैमाना कब काम में लेंगे जब पार्ट्स बहुत छोटे हैं, ये पैमाना कब काम में लेंगे जब अपने पार्ट्स बहुत बड़े हैं या जिसकी ड्राइंग बनानी है वो बहुत बड़ा है, और ये जब अपने ड्राइंग शीट पे वो चीज आराम से आ सकती है तो अपने फुल स्केल काम में लेंगे। अच्छा, जब अपने पैमाना काम में लेते हैं किसी ड्राइंग को बनाने में, तो ड्राइंग के अंदर एक टाइटल ब्लॉक बनता है। यहाँ जैसे ये ड्राइंग शीट होती है तो इस ड्राइंग शीट में यह टाइटल ब्लॉक आता है। अब टाइटल ब्लॉक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग की पूरी जानकारी होती है, जो ड्राइंग अपन ने बनाते हैं उसकी पूरी जानकारी होती है, उसमें कौन सी कंपनी की है, कौन से पार्ट की है, किसने बनाई है, कितने समय में बनाई है, उसके अंदर कोई अगर अलाउंस वगैरह दिया हुआ तो क्या है, उसका जो स्केल क्या है, कौन से थर्ड एंगल बनाई है, फर्स्ट एंगल बनाई है, ये सब चीजें, सारी डिटेल कब बनाई है, ये सब चीज उसके अंदर आपकी होती है। तो उसी जो टाइटल ब्लॉक है उस टाइटल ब्लॉक में एक कॉलम होता है जिसके अंदर आपको स्केल को लिखा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि अलग अलग ड्राइंग बना रहे हैं और अलग अलग स्केल्स उसमें काम में आ रही है, कई बार क्या हो सकता है कि अलग अलग ड्राइंग को अलग अलग स्केल से काम में ले रहे हैं, तो जो ड्राइंग आपने बनाई उसी ड्राइंग पे आप वहां पे स्केल आप लिख देंगे कि ये इस स्केल पे बना हुआ है और दूसरा ड्राइंग आपका इस स्केल पे बना हुआ है। क्लियर हो गया होगा कि ये तीन पैमाने जो है वो कौन कौन से हैं। अब देखो इसमें एक काम आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न। अब निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है, तो ये होता है आपका साइज ऑफ ए कंपोनेंट ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ कंपोनेंट। किसी कार्यखंड की ड्राइंग पर माप, अपॉन कार्यखंड की वास्तविक माप। अब सवाल आ जाता है कई बार बहुत छोटा सा कि कोई कंपोनेंट जो 5 मीटर का है और उस 5 मीटर की जो साइज का जो कंपोनेंट है उसको आप 20 सेंटीमीटर में की लंबाई की ड्राइंग के अंदर बना रहे हैं, तो ड्राइंग पर माप कितना हो गया, बीस सेंटीमीटर, और वास्तविक माप 5 मीटर। अब कभी भी अपन रेशियो देते हैं तो रेशियो के लिए अपने को यूनिट सेम चाहिए, तो मैं इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि 500 सेंटीमीटर हो गया इसका मतलब है कि आपके आरएफ कितना आएगा, आरएफ बराबर आएगा 20 बटा 500, जीरो से जीरो कट गया अर्थात 1/25। आरएफ कितना निकला 1/25 या आरएफ अपने ये दूसरे रूप में कह सकते हैं 1:25। कहने का मतलब है कि आपने ड्राइंग पर जो 1 सेंटीमीटर या बनाया है, 1 सेंटीमीटर का जो माप है वो वास्तविक जो 25 सेंटीमीटर के माप है उसके बराबर, तो ये आपका आरएफ हो गया। आरएफ से रिलेटेड आपके सवाल कंपटीशन में आता है तो आपको कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि आरएफ दिया होता है और ड्राइंग पे माप दी हुई होती है और वास्तविक उस पार्ट का माप पूछते हैं, तो आपने आरएफ के लिए या आरएफ में मान लिख देंगे और जैसे 1:25 है तो 1/25 लिख देंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, 1/25 हो गया, उसका ड्राइंग पे माप दे रखा है, ड्राइंग पे माप दे रखा उसको यहां लिख दिया और वास्तविक माप आपका निकल जाएगा जो भी है। दूसरा अपन जो क्लासिफिकेशन देते हैं वो है आपका फर्स्ट प्लेन स्केल, जिसको बोलते हैं विकर्णी पैमाना। तीसरा अपन ले तो तीसरा है वर्नियर पैमाना। चौथा ले कंपैरेटिव स्केल या तुलनात्मक। पांचवा ले तो कोड या जीवा। पैमाना, जीवा स्केल या जीवा मापनी। इसमें से अपने जो नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड को अपन स्टडी करेंगे, साधारण स्केल या डायगोनल स्केल से रिलेटेड अपने सवाल आ जाता है, तो अपन साधारण स्केल क्या होता है और डायगोनल स्केल क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। अब साधारण स्केल क्या है, देखो साधारण स्केल के अंदर जो अपन माप लेते हैं, जैसे मान लिया कि मेरे को मीटर में नापना है,
आरएफ तो दोनों में आएगा, आरएफ दोनों के अंदर आएगा, साधारण स्केल में भी आएगा और आपके जो डायगनल स्केल उसमें भी आएगा। लेकिन अगर एक मतलब दो एक डेसीमीटर तक अगर किसी चीज का अपन माप ले, जैसे मैं कहूँगा मीटर और डेसीमीटर मापना है तो आपको प्लेन स्केल में नाप सकते हैं, या डेसीमीटर और सेंटीमीटर नापना है तो आपकी प्लेन स्केल में हो जाएगा। अब प्लेन स्केल और डायगनल स्केल क्या है कि डायगनल स्केल में अपन जो है तीन यूनिट्स, जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, या यो कहें कि दो दशमलव तक, जैसे मैं 5.25 मीटर मैंने कोई प्रदर्शित करना है तो मैं उसको डायगनल स्केल में प्रदर्शित कर सकता हूं। तो ऐसे अपने वो दोनों स्केल को अपने स्टडी करें जिसके अंदर आपका प्लेन स्केल भी है और डायगनल स्केल भी है। तो अपन प्लेन स्केल, अब स्केल बनाने के लिए अपने क्या क्या चीज, स्केल का जो निर्माण करते हैं, स्केल के निर्माण के लिए अपने क्या क्या चीज आवश्यक है वो अपन स्टडी करते हैं। स्केल में आपको क्या क्या चीज नेसेसरी है, सबसे पहले लें तो सबसे पहले आपको जरूरत होती है कोई भी स्केल, प्लेन स्केल बनाना है चाहे डायगनल स्केल बनाना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। फर्स्ट आपको चाहिए आरएफ, क्या चाहिए, या निरूपक भिन्न। सेकंड चाहिए लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम आप कितना नापना चाह रहे हैं, जो कि मापना है अपने को कितनी मैक्सिमम लंबाई आपको उस स्केल से नापनी है। ये दो चीजें आपको चाहिए। इसके बाद में आप एक जो है बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स जो बनाएंगे उस जैसे जो है सीधी रेखा में, जैसे आपका जो भी है प्लेन स्केल लेना है तो प्लेन स्केल आपका बिल्कुल सीधी सी रेखा के अंदर बनेगा। अब ये जो बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स के अंदर ये तो लंबाई हो जाएगी लेंथ और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो चौड़ाई को नॉर्मली अपन 1.5 सेंटीमीटर ले लेंगे और लेंथ आपकी जो भी आपकी मेजरमेंट लेंथ अपनी नापनी है वो हो जाएगी, अपन ये हो जाएगी। इसके बाद में इसको आप जैसे जो आपने इसके जो मेन स्केल है इसके आप पार्ट्स कर दिए, मान लिया कि पांच पार्ट्स कर दिए, ये पांच पार्ट्स करेंगे तो इसका जो पहला भाग है, इस पहले भाग का जो अंतिम कोना है इसको आप जीरो लिखेंगे और इसको यहां से एक दो तीन चार या दस बीस तीस चालीस जो भी आपने लिखना है ये पार्ट करेंगे और फिर इसको आप और डिवाइड कर देंगे दस भागों में। दस भाग करने हैं तो यहां से भी कर सकते हैं और आपने यहाँ डायगनल स्केल डाल के भी कर सकते हैं। किसी लाइन के दस भाग करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक तिर्यक रेखा जो कि किसी न्यून कोण पे झुकी हुई हो, तिरछी रेखा या न्यून कोण पे एक लाइन अपन सीधी रेखा लेते हैं और उसके अपन जितने पार्ट करने होते हैं उसको इससे मिला देते हैं, क्योंकि इससे इसी के पैरेलल जो लाइनें खींचेंगे ये सारी इसके बराबर के इस पर पार्ट कर देगी, जितने पार्ट अपने इसके किए उतने पार्ट इसके लाइन के हो जाएंगे। तो ये अपने सबसे पहला जो सिंपल स्केल बनाने का जो तरीका है वो है, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के तहत अपन एक स्केल को डिजाइन करते हैं। आप क्वेश्चन नोट करें, एक प्लेन स्केल का निर्माण करें जो 8 मीटर नाप सके, इस पैमाने का 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। एक प्लेन स्केल का निर्माण करना है, प्लेन स्केल जो मैक्सिमम 8 मीटर की लेंथ को नाप सके और उस जो प्लेन स्केल है उस प्लेन स्केल के द्वारा जो स्केल का अपन निर्माण कर रहे हैं उसके द्वारा 2 सेंटीमीटर जो ड्राइंग पे माप है वो 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है सबसे पहले अपन ले तो सबसे पहले अपने इसका आरएफ कितना निकला, आरएफ अपने निकाला तो आरएफ है कि 2 सेंटीमीटर जो ड्राइंग पे माप है, ड्राइंग पे माप कितना है 2 सेंटीमीटर, ये क्या रहते हैं अपन ड्राइंग पर माप अपॉन वास्तविक माप, अर्थात 2 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को, कितने को 1 मीटर को। अब देखो इसको आप 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर को काटेंगे तो ये तो रेशियो है, रेशियो के लिए अपने को क्या है यूनिट सेम चाहिए, तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर रहने दिया और नीचे अपन ने क्या कर दिया 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बढ़ गया तो ये 1/50 यानी कि इसका आरएफ कितना आया 1/50 या आरएफ इक्वल टू आ गया 1:50 यानी कि आपका 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपने को मैक्सिमम लेंथ कितनी लेनी है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, बराबर होता है आरएफ इनटू लेंथ टू बी मेजर, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर,
मैक्सिमम जो लंबाई आपको नापनी है और जो उसका आरएफ है उसको आप गुणा करेंगे तो आपकी स्केल की लंबाई निकल जाएगी। आरएफ कितना है? 1/50। मैक्सिमम आपको कितना नापना है? 8 मीटर। कितना नापना है? 8 मीटर। इसको मैं अगर करूं 1/50 × 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे तो ये 16×5=16 कितना हो गया? 16। अर्थात 16 सेंटीमीटर की आप एक लंबाई की लाइन बनाएंगे या बॉक्स बनाएंगे जिसकी चौड़ाई तो होगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर और लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर। तो मैं क्या किया, 1.5 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी लाइन और लंबाई दे दी अपन ने उसकी 16 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। अब अपने को इससे नाप कितना करना है? 8 मीटर का। तो मैं इसके 8 भाग कर दूं, कितने कर दूं? 8 भाग कर देता हूं बराबर के। एग्जाम में या तो प्लेन स्केल बनाना आता है या आपका डायगोनल स्केल बनाना आता है नॉर्मली। अब ये जब 8 भाग कर दिए, ये पूरी जो स्केल है किसको नापेगी? 8 मीटर को नापेगी। मैक्सिमम आपको 8 मीटर से नापना है। तो आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कॉलम जो है या फर्स्ट जो भाग है उसके एंड में यानी कि यहाँ राइट साइड में 0 लगा दें और यहां से आप 0 के बाद वाला जो पार्ट है उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 7 मीटर तक हो जाएगा और 1 मीटर के यहाँ डिविजन कर दें जो कि डेसीमीटर को व्यक्त करेगा। इसके मैं 10 पार्ट कर दूं, कितने पार्ट कर दूं? 10 पार्ट कर देता हूं। आप इस 10 पार्ट करेंगे, आप कंपास लेकर के उसको आप 10 भागों में इस लाइन को डिवाइड कर देंगे। दस भागों में डिवाइड करने के बाद आप इसका जो लास्ट पार्ट है उसको आप इससे मिला देंगे। अब इसके पैरेलल ये जो इसका जो लास्ट पार्ट जो पॉइंट था 0 वाला, इसके इस लास्ट पार्ट 10 वाले भाग को मिलाया, उसके पैरेलल इसके पैरेलल आपने यहां से जितने ही भाग बने हैं वो आप लाइन खींचेंगे। तो ये जो आपने लाइन थी जो एक भाग है ये पूरे पूरे 10 भागों में डिवाइड हो जाए। अर्थात देखो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर को। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर है। और ये आपका डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल इसको 8 मीटर नाप सकते हैं। अब अपने को इसमें क्या मेजर करना है? 6 मीटर 8 डेसीमीटर। तो आपने यहां से यहां तक 6 मीटर को ही ले लिया और ये जो नाप था इसको आप चाहें तो इसके अंदर अपन पैरेलल इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं वापिस। ये मैं इसमें नाम लिख दूं 2, ये आपका 4, ये 6, ये आपका 8 और ये आपका 10। ये इस 1 मीटर के डिवीजन हो गए, 10 पार्ट हो गए। अब आपने ये जो एक डिवीजन है इसका यहां से यहां तक एक डिवीजन वो 1 डेसीमीटर को व्यक्त करेगा या 0.1 मीटर को व्यक्त करेगा। अपने को चाहिए 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। 6 मीटर के लिए आपने 6 मीटर यहां से ले लिए, 8 डेसीमीटर लेना है तो आपने यहां से 8 के ऊपर आप गए और इधर आपने 6 मीटर पे गए और आपने इसको जो है मार्क कर दिया 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। हेलो हेड सुंदर बनाया, मैंने पहले डायमेंशनिंग में आपको बताया है और डायमेंशनिंग का मैंने आपको एक लेसन भी पूरा समझा दिया था और वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो इसके अंदर आपका ये हो गया आपका 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। ये आप ऐसे अपन स्केल बना के आएंगे तो ये आपको पूरे नंबर अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरा साफ सफाई से करके आएंगे। तो ये हो गया आपका प्लेन स्केल माना या डायगोनल स्केल। क्या होता है देखो, ऐसा स्केल जो कि अपने को 2 डेसिमल तक यानी कि अपन कहें कि जिसके अपन जिसके ऊपर 3 यूनिट्स अपन नाप सके, जैसे मीटर को नाप लिया, डेसीमीटर को भी नाप लिया और सेट करते हैं तो वो कहलाता है डायगोनल स्केल। और डायगोनल स्केल का जो सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? ये आपके समरूप त्रिभुज
के सिद्धांत पर डायगोनल स्केल या विकर्णी पैमाना काम करता है, यानी इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है आपका समरूप त्रिभुज के सिद्धांत पे काम करता है। समरूप त्रिभुज होता क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है वो बताता हूं। जैसे आपने ट्राइंगल बनाया, इसके अंदर आपने ए बी और सी ये माप दे दी, नाम दे दिए इसके। इस ए बी लाइन को आपने बराबर भागों में बांटना है, उसके लिए क्या किया आपने, इस बी सी को अपन ने 10 बराबर भागों में बांट दिया, और बी सी के 10 बराबर भाग की अपन ने भाग करने के लिए चाहे तो आप वही विकर्ण डाल करके कर दें, या इसको नाप के कर दें कितनी स्केल है लंबाई, उसके हिसाब से इसके 10 बराबर भाग कर दें। जैसे इसके 10 बराबर, इन 10 भागों को अपन ने इस नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऊपर इसका 10वां हिस्सा हो गया, और इधर से अपन ने इस पे लाइन डाली इसके पैरेलल, इसके पैरेलल में यहां से इस पे मैंने लाइन लिखी। इसका नाम आपने 1-2-3-4-5-6-7-8-9-... अब देखो इसके अंदर ये जो मेरे जितने भी त्रिभुज बने, देखो एक सबसे बड़ा त्रिभुज बना ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लेता हूं तो 9-9 और C, देखो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है इसमें ए बी सी, त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर 9-9 और C, ये इसी प्रकार 8-8 और C, ये सारे त्रिभुज बन रहे हैं। अब ये सारे जो त्रिभुज बन रहे हैं ये क्या समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, समरूप त्रिभुज अगर बनते हैं तो उनमें भुजाओं का अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात क्या होता है जब समरूप त्रिभुज बनता है तो मैं कहूं कि AB अपॉन BC में लू तो मैं इसको लिख सकता हूं 1-1 अपॉन C into 1। देखो कि ए बी है उसी के पैरेलल क्या हो गया 1-1 या 1-1, और बी सी है उसके पैरेलल क्या हो गया आपका सी और वन, तो इसका और इसका अनुपात सेम आएगा, इसका और इसका अनुपात आपका सेम आएगा। इसी प्रकार मैं लूं कि आपके ए बी लिया, अब मैं लूं नीचे से तो 2 और 2 क्या ले दूं मैं 2-2 अपॉन 2 और C या C और 2, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये ट्राइंगल बना और ये जो बड़ा ट्राइंगल बना ये सब क्या है समरूप ट्राइंगल है। अब इसके अंदर मैं लेकिन 1 और C किसके बराबर है, तो 1C ये जो पार्ट है आपका 1 और C ये जो पार्ट है इसका 10वां भाग है, किसका है BC का 10वां भाग है, ये 1C जो है यहां से यहां तक आपने 10 पार्ट किए थे तो ये 1C इज इक्वल टू 1/10 of BC, ये जो BC आपने लिया इस BC का ये जो चीज है वो 1/10 है, ये आपका C1, इसको 10 भागों में आपने बांटा था तो ये जो एक भाग हुआ इस पूरी लंबाई का क्या है 10वां भाग है। जब ये आपका एक वन इस वन और सी यानी कि 1 और C इसका 10वां भाग है, किसका AB का 10वां भाग है, इसका मतलब है कि ये जो आपका 1 और 1C 1/1 है ये भी क्या हो जाएगा आपका 10वां भाग हो जाएगा, 1/1 भी क्या हो जाएगा आपका AB का 10वां भाग हो जाएगा, ये 1/1 भी क्या हो जाएगा 1/1 विल बी इक्वल टू 1/10 of AB। ये इस जो आपका जो है ट्राइंगल का जो है त्रिभुज का जो विकर्णी है विकर्ण है उस सिद्धांत पे आपका डायगोनल स्केल बन कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। क्वेश्चन है वन इज टू 25 1:25 या 1/25 ऑफ RF 1/25 एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर 4 मीटर 4 मीटर की लंबाई को माप सके और उसका RF कितना है 1/25 है, शो ऑन दिस
स्केल द फॉलोइंग लेंथ, लेंथ आपको शो करना है कितनी, 1.63 एंड 1.09 मीटर, ये दो आपने उसके ऊपर आपको शो भी करनी है कि भाई उसकी लंबाई जो 1.63 मीटर और 1.09। अब देखो इसमें अपन ने देखा था कि सबसे पहले क्या क्या चीजें अपने को नेसेसरी होती है। सबसे पहले होता है आरएफ कितना है, आरएफ आपको गिवन है, आरएफ बराबर है 1/25। अब आरएफ क्या होता है कि किसी वस्तु का ड्राइंग पर माप अपॉन वस्तु का वास्तविक माप, ये उसका आरएफ कहलाता है। क्लियर है? तो अपने अब अपने इसी आरएफ से आपके पास क्या निकल जाएगा, जो आपने मैक्सिमम लंबाई नापनी है उस लंबाई की नाप के लिए स्केल की लंबाई कितनी अपन डिसाइड करें, लेंथ ऑफ स्केल। सेकेंड अपन निकालेंगे सवाल, समझ में आएगा मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूं कि आपको एक डायगोनल या विकर्णी पैमाना बनाना है जिसका आरएफ 1/25 है और उससे आप 4 मीटर की लंबाई मैक्सिमम नाप सकते हैं। उस स्केल पर आपको 1.63 मीटर और 1.09 मीटर आपको प्रदर्शित करना है। देखो अपन ने देखा था कि डायगोनल स्केल से 2 डेसिमल तक, यानी कि अगर ये मीटर है तो ये डेसीमीटर हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया, ये अगर मीटर है तो ये डेसीमीटर और ये सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 6 डेसीमीटर 3 मीटर का 3 सेंटीमीटर का पाठ्यांक उस पर दर्शना है, या 1 मीटर और 9 सेंटीमीटर का पाठ्यांक उस पर दर्शना है। तो ये 3 जो है आपकी यूनिट्स हो गई, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। डायगोनल स्केल में अपन 3 जो यूनिट तक अपन पढ़ सकते हैं और जो प्लेन स्केल है उसमें 2 यूनिट तक, यानी मीटर डेसीमीटर या डेसीमीटर सेंटीमीटर, ये अपन प्लेन स्केल में पढ़ सकते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ स्केल होता है आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, जो अधिकतम लंबाई आपको नापनी है उसको आप आरएफ से गुणा कर दें। आरएफ आपका यहां कितना 1/25 है, अधिकतम लंबाई आपको कितनी नापनी है 4 मीटर नापना है। अब मैं 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू 400, मैं 25 से 400 काटता हूं 16 बार कटता है अर्थात 16 आ गया, ये इसमें किसमें आ गया आपका सेंटीमीटर में आ गया। तो मैक्सिमम लेंथ आपका जो स्केल का निकला वो कितना निकला सेंटीमीटर में 16 निकला। मैं एक स्केल को डिजाइन करता हूं जिसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ये आपने लंबाई ए बी जो भी लिया मान लिया, ये आपका ए बी कितना हो गया मैक्सिमम लेंथ या जो लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम 4 मीटर नापना था इसलिए इसके 4 भाग कर देते हैं। अभी अपन ने देखा था कि जो पहला पार्ट है उसके एंड पे आप 0 मार्क कर दें, उसके बाद आपने 1, 2 और 3 मार्किंग कर दिया। फर्स्ट पार्ट है उसको आप 10 भागों में डिवाइड करें। अब इसको 2 तरह से अपन डिवाइड करें, देखो एक तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली 10 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, पहले पार्ट को इस पार्ट से मिला दें, इसी प्रकार बाकी सारे पार्ट्स को भी मिलाएंगे। अगर मैं और लाइनें खींचता जाऊं यहां से तो ये 10 भाग जो अपने इस तिरछी वाली लाइन के हैं इस वर्टिकल लाइन को 10 भाग में बांट देगी, 10 पार्ट्स इसके हो गए, 10 पार्ट हो गए। मैं इस जो है जो ये कॉलम बना हुआ आपका 1.5 सेंटीमीटर वाई जो भी ये लंबाई है उसको 10 भागों में बांटने के लिए मैं इसके पैरेलल ये जो आपने यहाँ 10 भाग हुए ना आपके इसके इस लाइन इस कॉलम के अपन ने 10 भाग इसके पैरेलल अपन लाइन खींचे कर दें।
जिसके 10 बराबर के भाग आपने पैरेलल लाइन पे खींच दी। अब इस लाइन के अपने डायगोनल एक और अपन जो है डाल के 10 भाग कर, 10 भाग इसके पूरे हो गए। इसके लास्ट पार्ट को इससे आप मिला दें और इसी के पैरेलल ये सारी लाइनें आप खींच दें। यहां इसके पैरेलल यहां पॉइंट मार्क कर दें, चल जाएंगे। अब क्या है कि ये जो पार्ट हुए 10, ये 10 पार्ट इसके हो गए वर्टिकल में, मतलब जो लंबाई की, ये मैं इसमें जैसे एक है इसका नाम मैं यहाँ पे 2 दे दूं, ये 4 दे दूं, ये 6 कर दूं और ये 8, अर्थात 1.2 मीटर, 1.4 मीटर, 1.6, 1.8 और पूरे 2 मीटर, यहां से यहां तक ना हो पूरे 2 मीटर हो जाएंगे। अब मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं पेपर में इसे मिला देता हूं। ये अपन ने टेपर से इसको मिला दिया। अब मेरे को जैसे कोई नाप लेना, देखो इसमें अब क्या हुआ कि यहां से सीधा इस लाइन से इस पे नापेंगे। जैसे अगर मेरे को 2.4 नापना है, सपोज करो मेरे को 2.4 मीटर नापना है, तो 2 मीटर तो मैंने यहां से यहां तक हो गए और 0.4 देना है, तो ये मैं यहां से यहां तक का जो लेगा तो 2.4 हो जाएगा। यहां से मैं इसके बिल्कुल पैरेलल अगर ले लेता हूं तो ये तो होगा 2.4। सपोज करो मेरे को जो ये लाइन लेनी है तो ये होगी आपकी 2.4। लेकिन मेरा जो ये तो 2.4 मीटर मैंने जैसे करके बताया आपको कि ये 2 मीटर हो गया और ये 4 मीटर, 0.4 मीटर ये हो गया, ये 2.4 मीटर को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन मेरे को क्या प्रदर्शित करना है, 1.63 मीटर। ये क्या है, डायगोनल स्केल बन गया है जो आपके 1 मीटर के 100वें भाग को अपने यहां से देख सकते हैं। 1 मीटर का 10वां भाग तो सीधे सीधे यहां निकल रहा है और 100वां भाग इस टेपर वाली लाइन पे आपका उसका आ जाएगा। कैसे, सपोज करो मेरे को 1.63 का माप लेना है, 1.63 मीटर, तो 1 मीटर तो ये हो गया, 6 मीटर के लिए मैं ये 6 मीटर पे आ गया, ये 6 पे आ गया। अब मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उस पे तीसरी पे इस लाइन जो तिरछी जो लाइन जा रही है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में तीसरी लाइन ले लेता हूं, 1, 2 और 3। ये जो लाइन ली मैंने, ये जो पॉइंट आया है, ये आपका 1.63 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया होगा क्या किया, 1 मीटर तो यहां तक हो गया, 0.6 मीटर यहां हो गया, 1.6 और फिर 0.3 और लेना है, तो इसके लिए आपने ये 1, 2 और 3 जो एक कॉलम है आपने तीसरे नंबर वाला, यानी कि ये अगर मैं कहूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसमें आपको ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये पूरा 10वां। तो ये जो 0.03 लेना था तो इसमें 1, 2 और 3 लाइन जो आपकी 6 से निकल करके जा रही है उसी तीसरी लाइन का ये पॉइंट अपन ने लिया, इसको वर्टिकली ऊपर ले गए, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो प्रदर्शित करेगी स्केल में लंबाई, ये होगी आपकी 1.63 मीटर। 1.09 नापना है तो 1 मीटर तो ये हो गया और 09 इसके अंदर 0 से जो 1 पे जा रहे हैं यहां जाएंगे तो 1.1 हो जाएगा पूरा। देखो यहां से मैं सीधा यहां तक आ जाता हूं तो 1.09 लेना है, तो यहां तक ये जो पॉइंट आया वो 1.09 को रिप्रेजेंट करेगा। कहां से लिया, देखो 1 मीटर तो ये हो गया और पॉइंट पूरा 1 लेते तो इसे यहां तक आते और 0.09 लेना था, तो अपन ने यहां से पहले जो 9 वाला जो लाइन जा रहा है इसके सामने ये तिरेक रेखा जहां कटी इसको अपन ने पॉइंट को मार्क कर दिया और यहां बिल्कुल वर्टिकल ले गए तो ये 1.09 को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा यहां तक आ जाएंगे तो 1.1 हो जाएगा। तो ये आपका डायगोनल स्केल हो गया। तो आपके नॉर्मली या तो डायगोनल स्केल से रिलेटेड सवाल आता है या आपके आपके प्लेन स्केल का सवाल आता है, तो दोनों ही अपन ने कर लिए हैं। आपको डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल समझ में आया होगा, मैं सोचता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मेरे जो यूट्यूब पे IT एकेडमी चैनल है उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी बताएं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है अपने जो दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, ड्राइंग और गणित से रिलेटेड, वो आपको मेरे जो YouTube पे जो चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट्स डाल दें तो मैं आपको उसको कोशिश करूँगा सॉल्व कराने की, आपको उसको समझाने की। धन्यवाद, आपको समझ में आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों को आपने जो मैंने नंबर बताया था कि अगर आपको अगर जैसे नहीं आप ऐड हो पाए हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9414677845,
इस पर आप मैसेज कर दें, मैं आपको जो मैंने ग्रुप बना रखा है आई के बच्चों का स्टूडेंट्स का, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, ताकि कोई भी अपने जो वीडियो डालते हैं या कोई भी अपने जो पढ़ाई से संबंधित मैटर है उसमें डिस्कस करते हैं, वो अपने इस पर कर देंगे। फिनिशिंग क्या होता है, हैंड टूल्स क्या होते हैं, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे काम में लेते हैं, आपने सेट स्कोर से कैसे काम करते हैं, फिर अपन लिया है जो मेन बड़ी प्रॉब्लम आती है आइसोमेट्रिक से ऑर्थोवे बनाना। उसके बाद में सेकेंड ईयर में आप कई बार स्टूडेंट्स पूछता है कि सर हमारे ये सेकेंड ईयर प्रॉब्लम आएगी क्या, तो देखो ऑर्थोग्राफिक तो कहीं भी आ सकता है कोर्स में है, लेकिन नॉर्मली सेकेंड ईयर में आपके आइसोमेट्रिक बनाना आता है ऑर्थोग्राफिक से, तो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कह दें, या आपका कोई मिसिंग लाइन प्रॉब्लम कह दें, या आपका थर्ड व्यू प्रॉब्लम कर दे, तो ये दोनों ही तीनों ही जो है प्रॉब्लम्स है वो जब आपको आइसोमेट्रिक बनाना आता है ना तो ये अपन कर पाते हैं। तो वो भी मैंने अपलोड किए हैं, कम से कम 5 प्रॉब्लम्स जो आइसोमेट्रिक बनाने की कर रखी है और 8 या 9 प्रॉब्लम आपको ऑर्थोग्राफिक बनाने की समझा के दे रखी है। तो ये आपको मैंने ड्राइंग के भी आपके जो है काफ़ी जो है कोर्स कवर कर रखा है उसके ऊपर, तो आप उसको देखें समझें और बनाएं। ड्राइंग में आप खुद नहीं बनाएंगे या लाइन वर्क, जैसे मैंने बताया था कि लाइन वर्क इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट ड्राइंग तो पूरी बनाया था लेकिन उसको लाइन वर्क या सफाई से काम नहीं हो, जैसे आपको पूरा चीज़ दिख रहा है। अब जैसे स्केल बना दिया आपने, अब स्केल बनाने के बाद में उस पर आप लिखेंगे आरएफ, लिखेंगे टोटल मैक्सिमम जो लंबाई आपने नापी वो लिखेंगे, है ना, और कौन सा स्केल बनाया है, तो डायगोनल स्केल है तो यहाँ लिखेंगे आप डायगोनल स्केल। आरएफ आपने लिखना ही है उसके साथ में, तो ये मैंने बता दिया। और आपका जो है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के मैंने टॉपिक्स डाल रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉप जो अपना जो टॉपिक होता है यूनिट्स मैंने आपको करा रखा है, फ्रैक्शन जिसको अपन जो है भिन्न कहते हैं वो मैंने करा दिया आपके, इससे पहले मैंने जो है एरिया वॉल्यूम कराया है और ट्रिग्नोमेट्री कराया है, तो ये आप उस पर जो यूट्यूब आई डी एकेडमी चैनल है उस पर आप जा करके देखें, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, आपको धन्यवाद।